दोस्तों आइए 3D एनिमेशन की मदद से शॉर्ट में जानते हैं कि हमारा किडनी कैसे काम करता है। किडनी का काम हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करके यूरिन यानी पेशाब को बनाना है। किडनी अंदर से चार भागों से मिलकर बना है, जिन्हें रेनल कैप्सूल, मेडुला, पेल्विस और कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के इसी कॉर्टेक्स वाले हिस्से से हमारा ब्लड फिल्टर होता है। कॉर्टेक्स नेफ्रॉन सेल से मिलकर बने होते हैं। नेफ्रॉन में बॉल के शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे वुमेन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलस नाम की ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब इन बाहर के ब्लड वेसल से अशुद्ध खून वुमेन कैप्सूल में आने के बाद ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर कर देता है। इसके बाद वुमेन कैप्सूल अशुद्धियों को खून में मौजूद पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके आगे ट्यूब में भेज देता है। ये ट्यूब सभी नेफ्रॉन से अशुद्धियों को लेकर पेल्विस में छोड़ देते हैं, जहाँ से ये इस यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में जमा हो जाते हैं और फिर लास्ट में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक से आप इसके फुल वीडियो को देख सकते हैं।